हिंद भाई लोग, भाई आप लोग की तैयारी कैसी चली यार? देखो आप लोग अपना तैयारी अच्छे से करना, ठीक है? और ग्राउंड पर जाना ना, तो फालतू का बात नहीं करना यार, क्योंकि इससे टाइम पास होता है और 3 साल बाद 4 साल बाद ना वो बात किसी काम के नहीं आएगा। अब मेहनत जो करोगे ना वही काम आएगा, ठीक है? और कामयाब हो जाओगे ना तो बहुत लोग पूछने आएंगे, नहीं कामयाब होगे तो कोई नहीं पूछेगा। अब जिस दिन वर्दी चढ़ जाएगी ना, जो नहीं बोलता रहेगा वो भी आएगा, बोलेगा यार नीलेश भाई हमारे घर चल, और कैसा है मेरे को भूल गया है क्या? तो जैसे आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ, इस तरह बोलेंगे सब। तो आप लोग अपना तैयारी नहीं छोड़ना। और देखो यार भाई, एक ज़रूरी बात का आप लोगों से मतलब बोलना है। देखो हमारे साथ बहुत गलत हुआ है यार, जैसे हमारा जो नीलेश भाई ब्लॉग जो चैनल था ना, उसको किसी हैकर ने हैक कर लिया है। और पता है कैसे हैक किया है? मैं मतलब एक इंडियन आर्मी ग्रुप सी का जो भर्ती आया था उसके बारे में मैं पूरा डिटेल बताया था, और मैं उसमें गलती कर दिया था कि अपना ईमेल भी बता दिया था और मैं अपना मोबाइल नंबर भी उसमें डाल दिया था। तो पता है किसी हैकर ने मतलब हमारे जैसे जो यूट्यूब चैनल था उसको हैक कर लिया। और पता है क्यों हैक किया? जैसे जितने भी दौड़ने वाले भाई थे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे कि जितने अदर यूट्यूब चैनल वाले थे सब ना, उन लोगों का मतलब हालत ख़राब हो गया था। जैसे ये सोच रहे थे सब कि ये तो मतलब सारा कुछ सही बता दे रहा है, ये भर्ती देखने वाला बंदा है, और मतलब आपस में ये मतलब सारे लोग इससे मिलकर डिस्कस कर ले रहे हैं कि ये भर्ती आई है कि नहीं आई है। तो इस तरह मतलब वो सोचे सब कि जो हैकर था वो सोचा कि मतलब ये तो बहुत आगे तक चले जाएंगे सब, और हम लोग मतलब फर्जी वीडियो नहीं बना पाएंगे, ये सारा सही सही बता देता है। तो बस यही सब सोचकर, और 31 दिन में पता है भाई, 31 दिन में 4000 लोग उसमें जुड़ गए थे। बस 31 दिन में 4000 लोग जुड़ गए थे उस चैनल पर। तो बहुत जल्दी मतलब वो प्रोग्रेस किया था। तो यही सब सोचकर उसने हैक कर लिया। तो फिर मैं सोचा यार भाई, बस मैं तो गलती कर दिया था, अपना मोबाइल नंबर दे दिया था, ईमेल दे दिया। तो मैं सोचा चलो यार भाई, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ब्लॉग वाला जो मैं वीडियो बनाता था नीलेश भाई ब्लॉग, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो दो तीन दिन तक वैसे बैठा रहा, मैं वीडियो अपलोड नहीं किया। तो फिर कॉल आने लगा बहुत सारे भाइयों का, भाई आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। तो मैं कितने लोगों का कॉल नहीं रिसीव किया। फिर कुछ भाई मतलब बोले सब यार, तो मतलब मैं बताया कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, तो अब मैं वीडियो ब्लॉग वाले पर नहीं लाऊंगा। तो फिर सोचे सब यार, मतलब बहुत सारे भाई ये बोलने लगे सब यार, आपके वीडियो से इतना मैं मोटिवेशन मिलता है, और मैं खुद मोटिवेट रहता हूँ यार, दिन भर बस इंडियन आर्मी के बारे में सोचता हूँ, सोचता हूँ कभी ना कभी तो वर्दी चढ़ ही जाएगी, क्या यार हम ही लोगों में से ना कोई होता है। बस यही सब सोचकर और मैं अपना वीडियो देकर खुद मतलब मोटिवेट रहता हूँ। तो वो सब भाई बोलने लगे सब यार, मैं जाता था तो अच्छे से रनिंग नहीं करता था, 2-3 किलोमीटर रनिंग करता था, लेकिन जब से आपका वीडियो देखने लगा तो हाँ हमें मतलब अंदर से लगने लगा कि हाँ आपकी बात तो सही है, 4 साल बाद कोई ये पूछने मतलब पूछने जाँचने नहीं आएगा, सब लोग आपकी कामयाबी देखेंगे। तो बस यही सब सोचकर मतलब बोले सब कि भाई आपने यार आप नया चैनल क्रिएट करो और मैं सपोर्ट करूँगा यार। तो बस मैं सोचा कि हाँ यार बात तो सही है, और मैं ये भी सोचा ना कि 31 दिन में 4000 लोग भाई जुड़े थे, तो मतलब जैसे हर राज्य से जुड़े थे ना, तो मेरे राज्य में भर्ती हो रही है तो मैं तो सारा कुछ मुझे पता होगा, चाहे टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती हो या खुली भर्ती हो या स्पोर्ट की भर्ती हो या म्यूजिशियन की एक भर्ती होती है, कोई भी भर्ती हो जिसमें सारे लोग जा सकते हैं, ऐसी भर्ती होगी तो मतलब जैसे मान लो हर राज्य से जुड़े थे सब, हमारे राज्य में नहीं हो रही है आपके राज्य में हो रही है वो बता देगा। तो ये सब सोचकर मैं बहुत खुश रहता था। लेकिन फिर दोबारा जब मैं सोचा वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो फिर मैं एक बार सोचा कि चलो यार भाई मैं फिर से दोबारा कोशिश करता हूँ और उस हैकर को भी दिखाता हूँ ना, फिर मैं दोबारा जुड़ने की कोशिश करता हूँ और उस हैकर को दिखाता हूँ। आर्मी वाले बंदे कभी हार नहीं मानते हैं, इतना मेहनत करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, इतना रेस मतलब इतना मेहनत करने के बाद रेस निकालते हैं लेकिन मेडिकल में छट जाते हैं, तो फिर दोबारा कोशिश करते हैं लेकिन हार नहीं मानते हैं, जिसको मतलब आर्मी के नशा चढ़ जाता है। तो उस हैकर को मैं दिखाना चाहता हूँ यार भाई, और आप लोग भी यार भाई, जितने भी भाई दौड़ने वाले हो ना, बस जो भाई आर्मी की तैयारी करता है, बस फालतू लोग नहीं यार, जिसको मतलब दिल से है ना कि हाँ हमको इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है तो करना है, दूसरा कोई हमको सोचना नहीं है, दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है कि हमको यहाँ जाना है, नहीं होगा तो मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, नहीं बस इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है तो करना है, बस वैसे भाई मतलब सपोर्ट करो यार। और जितने भी भाई हो ना, जितने भी भाई वीडियो देख रहे हो ना, मैं उसका वो जो चैनल है, मैं अभी नया चैनल क्रिएट किया हूँ और उसका लिंक मैं उसी नाम से क्रिएट किया हूँ, नीलेश भाई ब्लॉग के नाम से, उस हैकर को दिखाना यार भाई। और इसमें मतलब आप लोग जितना हो सके यार उतना सपोर्ट करो, ठीक है? कोई भी भर्ती आएगी यार मैं बताता रहूँगा, जिस तरह मतलब मैं पहले भी बताता था। तो आप लोग इस चैनल को जल्दी से जल्दी सपोर्ट करो ताकि मैं लाइव आ सकूँ उस चैनल पर। तो यार भाई उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और नीलेश भाई ब्लॉग में मेरा जो चैनल था ना, वो चैनल मतलब जैसे मेरे मोबाइल में दिखा नहीं रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार भाई, आप लोग बस एक जो भाई देख रहा है ना, बस 5 दोस्त को भेज दो यार, अपने 5 दोस्त को भेजोगे ना तो 100 भाई 5 दोस्त को भेजेंगे ना तो 500 लोग जुड़ जाएंगे।
तो इस तरह भाई, और देखो यार भाई, आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने लोगों को मतलब दिल से होगा ना कि हाँ मैं आर्मी की तैयारी करता हूँ, दिल से होगा ना बस वही लोग सपोर्ट करेंगे। आप लोग जितना हो सके उतना सपोर्ट करो यार भाई। चलो ठीक है भाई लोग, मैं उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ और मैं अपना कम्युनिटी में भी दे दूंगा। चलो ठीक है भाई लोग, आप लोग अपना तैयारी अच्छे से करते रहो। जय हिंद, लव यू।